चलेगा, अक्षय का जब दीप जलेगा, तब कोई ना तुझे चलेगा। मेरा तू चला जाएगा, उजाला पास तेरे आएगा। अंधेरा दूर चला जाएगा, गांव की हर मौसी ताई लिखेगी अपनी चिट्ठी भाई, लिखेगी अपनी चिट्ठी भाई। काम धाम के साथ उनको करनी होगी पढ़ाई, करनी होगी पढ़ाई। अंधेरा दूर चला जाएगा, उजाला पास तेरे आएगा। अंधेरा दूर चला जाएगा, उजाला पास तेरे आएगा। बीमारी शिमारी पे भी जो भी खर्चा आएगा वो कंपनी देगी, और अगर आप 400 रुपए में अपने पूरे खानदान परिवार का बीमा करवा लेते हैं तो आपके परिवार वालों को अगर कुछ भी हो जाता है किसी भी सदस्य को तो उसके एवज में आपको 5 लाख रुपए मिलेगा, और तो और उनकी बीमारियों को खर्च भी कंपनी भरेगी। लागू होता है, समझे? समझ गए? समझ तो गया, मैं तो पूरा समझ गया, ताऊ थोड़ा थोड़ा समझा। ना, मैं भी समझ रहा है भाई। एक बात तो बताओ, मान लो तुम 200 रुपए लेके अपन लौट कहीं ना आए तो? देखिए, अगर हम 200-400 रुपए आपसे ले लेते हैं, आपका क्या बिगड़ जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा? कोई शंका तो पूछ लो। हमने पूछ ली। अजी अजी, ये शंका है, ये भी कोई शंका है, ये तो आपकी बहुत छोटी सी लघु शंका है, और इस लघु शंका को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1200 रुपए का 6 महीने का एक एडवांस चेक दे देंगे। और अगर मान लीजिए, अगर हम 200 या 200-400 रुपए लेके भाग भी जाते हैं, फिर भी आप 6 महीने के बाद 1200 रुपए कमा लेंगे। कौन से बैंक का चेक दोगे जी? स्विस बैंक। तनु बताओ कि 200 रुपए के बदले 1200 रुपए फंसा के अमेरिका को क्या मिलेगा? ताऊ, यो इंटरनेशनल बिजनेस है, तू ना समझेगो। बिल्कुल सही जयमल भाई, चले। हाँ, यस, आप लोग दोबारा बुला लीजिएगा जब भी। सुनो, बैठो भाई, बैठो। ऐसा है जी, हमारा बीमा कर दो। आपका या पूरी फैमिली का? ऐसा कर लीजिए, पहले आप अपना ही कर लीजिए। फ्री स्टाइल आदमी है, पूरे परिवार का कर दो जी। और जी ताऊ जी, आपका? जब जयमल पूरे परिवार का करावेगा तो हम भी पूरे परिवार का। आपका नाम लिखो जी।
जयमल सिंह। जयमल सिंह और आपका? जी बदलू के मैं वैसे तो प्यार से, पर पटवारी के खाते में बादल सिंह लिखा। बादल सिंह, व्हाट अ नेम, एक्सलेंट। ये रहे आपके चेक। अरे इस वक्त क्यों आंखें न फोड़न लग रही है, है? सुबह टांग दीजो। सुबह से सोच रही थी कि तुम्हारी कमीज में बटन टांग दूं। अब समय मिला है। अब समय मिला तो दो घड़ी हमारी गैल बैठ, वो गानो ना है। दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, टा 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 टा। सुर बिगड़ गो। कह रहे तेरे से एक बात कहनी है। कैसी बात? मैंने है ना अपना, तेरा, चिन्नी और ननकू को बीमा करवा दियो। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। पूछ किससे करवाया? किससे? अरे तेज पूछ। किससे? इतनी तेज मत, वो जबान निकल रही है तेरी। अमेरिका से। अमेरिका से? क्या सिस्टम है रो अमेरिका को भी। पर अमेरिका हमारे देश के लोगों का क्यों? अरे पर अमेरिका इंडिया का छूना है तो। मैं अमेरिका की पेप्सी और कोका कोला ना पीती तू? पैसे दे दिए तुमने? और पूरे 400 दिए। पर एक बात है, तुम अनपढ़ की अनपढ़ रहोगी और कुछ समझ में ना आता करती रहे, है ना? कंपनी तुम्हारी तरियो ना है। अरे मुझे है ना 6 महीने का एडवांस दे दियो, स्विस बैंक का चेक दे रखो 2400 रुपए का। स्विस बैंक? अब देख अमरीकों को कैसे बेवकूफ बनाता हूँ। हर दूसरे चौथे दिन किसी न किसी को बीमार करके डॉक्टर साहब से ये लंबा बिल बनवा के कंपनी के माथे पे चेप दूंगा फिल्म के पोस्टर की तरह। और सबूत मांगेंगे तो तुझे आगे खड़ी कर दूंगा। जन्मजात बीमार लगे है तू, वही मरण वाली भी लगे है। हर महीने 400 से 800 तो बनाऊंगा ही बनवाऊंगा। एक बार मार्ट साहब से तो पूछ ले। चुप कर, मैं शहर से पूछ लेती। अरे 7:30 दर्जा है ना, भांग पी के पास ना की हमने। चलो तुमने जो किया अच्छा ही किया। और खाना लगा दूं? ना, वो चाचा के यहाँ से चिकन तोड़ के आ रहा हूँ, अब तो बस लंबी तान के सोऊंगा। रचल उड़ जार पंछी ये दे। ना भाई अभी अभी मत उड़, अभी मत उड़, अभी मत उड़। सुन, अरे ये स्विस बैंक का चेक धर दे ताला में बंद करके, है ना, ध्यान से ताला अच्छी तरह देख लीजो। अब देख के पड़े से रहिया जैसे ना 15वीं 16वीं कौन कौन सी जमात पास करके धरवा बक्से के अंदर। भाई CWIC स्विस BANC बैंक। स्विस तो ऐसे होना चाहिए, और बैंक में तो क्या होता है? देख तू 10वीं पास है माना, पर तेरा बर तो सिर्फ 7वीं पास है, और कोई भी मर्द अपने से ज्यादा पढ़ी लिखी औरत को बर्दाश्त ना कर सके है। देख अब हमारी इज्जत तेरे हाथ में है, तू अपने आप को अनपढ़ जाहिर करेगी और उसे 7वीं पास का दर्जा देगी, तभी जीवन की गाड़ी ठीक चलेगी। वैसे भी गांव में क्या काम आएगी पढ़ाई लिखाई? अरे सिर्फ हमें चिट्ठी पत्र कभी कभार छुप छुपा के लिख दिया करना। आई तो गई, और स्विस बैंक का क्या हुआ उस्ताद? स्विस बैंक का हो गया क्विक बैंक, और उस्ताद BANC बैंक तो कभी नहीं सुना। BANC बैंक नहीं, भैंस होता है जमुरी। समझ गया उस्ताद, यानी काला अक्षर भैंस बराबर। लेकिन उस्ताद एक बात समझ,
बालकन की पढ़ाई का ख्याल रखा कर जरा। अब मैं अनपढ़ क्या? अरे बार बार याद मत दिला कर मुझे, मैं अनपढ़ अनपढ़, मुझे पता है तू अनपढ़ है। मैं अनपढ़? अरे उनके सामने है ना डंडी लेके बैठ जाए कर। मेरे बापू भी मेरे सामने डंडी लेके बैठ जाया करते थे, तब जाके मैंने 7.5 दर्जा पास किया है। तुम भी तो दोनों को थोड़ा बहुत पढ़ा सकते हो। मेरा तेरा मगज खराब है, तुम भी दोनों को पढ़ा सकते हो। 16 साल हो गए मुझे पढ़े हुए, पर बालकन ने कुछ ऐसी चीज पूछ ली कि जो मुझे ना आती हो, फिर तो क्या वक्त रह जाएगी मेरी उनके सामने। तुम भी पढ़ा लिया है। अब इसमें वक्त क्या चली जाएगी, बदरू की अम्मा भी तो अपने पोते पोतियों से पढ़ा करती है। इसे कह मैं सठिया जाना, कोई सींग ना निकला मैं। अच्छा सुनो। सुना? मैं सोच रही थी कि मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख लेती तो बहुत अच्छा रहता, ताकि गांव वाले कहते फिरे कि जयमल की मेंढकी को जुखाम हो गया, टर 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 करती पड़े यहाँ का यहाँ से वहां। इन्हें मुझे लेट करवा दिया, देख तू मुझे बातों में मत उलझाए कर। चलते चलते तो तू थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी चाहवे है? रात को देर से आने वाला था ताकि तू अपने यार को चिट्ठी लिख सके। ऐसा क्यों कह रहे हो? अनपढ़ होने का बहाना इसीलिए कर रही थी ना कि तेरा तेरे यार से टांका भिड़ा रवे। मैं कहूँ ननकू और मेरा हाथ जब पास पास हो, इतना अंतर क्यों? भगवान की कसम, ननकू जिन्ने की कसम। चुप कर, ये भी पता चल जाए सच का। दिखा चिट्ठी। अगर तुझे लिखना आवे ना तो मुझे पढ़ना आवे, बस एक बार मेरा सच सही साबित होने दे, तेरा ये सर मुंडवा के कन्हैया पे बिठा के पूरा गांव में घुमाऊंगा। माँ नमस्ते। माँ ये चिट्ठी बहुत परेशानी की हाल में लिख रही हूँ। मेरे झूठ से इस घर का भला नहीं बुरा हो रहा है। जहाँ लोग अनपढ़ होके पढ़े लिखे होने का ढोंग करते हैं, वहाँ मुझे पढ़े लिखे होकर अनपढ़ होने का ढोंग करना पड़ता है। मेरे सामने जिन्नी के पापा कोई बेवकूफ बना के 400 रुपए ऐंठ के ले जाता है और मैं चुप रहती हूँ। मेरे बच्चे मुझसे छोटी छोटी ई और बड़ी ई में अंतर पूछते हैं और मुझे सब कुछ जानते बूझते हुए भी चुप रहना पड़ता है। मेरी कलम बक्से में पड़ी बंद रहती है और मुझे जरूरी कागज पर अंगूठा लगाना पड़ता है। मैं दसवीं पास हूँ और 7 जमात पढ़े मेरे पति मुझे अनपढ़ कहते हैं। बताओ माँ, कल तक ये झूठ और नीलू आगे नहीं लिखा जाता। मुझे रुलाई आ रही है। अगर बीमा करने के नाम पे कुछ लोग इन्हें ठग न ले जाते तो मैं अपना दुखड़ा तुमसे कभी न रोती। आपकी बेटी पार्वती। तो तू 10वीं पास है? हाँ, मुझे माफ कर दो, पर अगर शादी से पहले तुम्हें पता चल जाता कि मैं तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ तो तुम मुझसे ब्याह करने से इनकार कर देते। तो तेरे घर वालों ने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें कभी शिकायत का मौका तो नहीं दिया? चल ठीक है, मैंने तेरे पे शक किया, वो भी तेरे चरित्र पे। देख बात बराबर है गई, पर एक बात है पार्वती,
गांव वालों को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि तू पढ़ी लिखी है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तू मुझसे ज्यादा पढ़ लिख लो। मैं अब पढ़ूंगा इस उम्र में और अभी कल के पैदा हुए लौंडे लफाड़ों के साथ। फिर कभी धोखा तो नहीं खाओगे ना? मेरा यूं बता, तैने ये चिट्ठी में यूं क्यों लिखा कि बीमा करवाने के नाम पर कोई मुझसे मुझे ठग के ले गया 400 रुपए? क्योंकि तुमने उन लोगों को 400 रुपए देने से पहले कुछ अता पता ही नहीं लिया उनका। वो अमेरिका की कंपनी है, बाहर देश की किसी भी कंपनी को भारत में बीमा करने की अनुमति नहीं है। तुझे कैसे पता? ऑल इंडिया रेडियो। मैंने टीवी में समाचार में सुना था। वैसे भी जो चेक उन्होंने तुम्हें दिया था वो जाली है। वो कैसे? स्विस की स्पेलिंग सी से नहीं एस से होती है और बैंक की स्पेलिंग बी ए एन सी नहीं बी ए एन के होती है। अरे तू चुप रहियो बस। अरे गांव वालों को जे पता नहीं चलना चाहिए ये सारी बात का। अगर उन्हें पता चल गया तो मेरी बेइज्जती खराब रह जाएगी पार्वती। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। जनता के कुछ सवाल है, बेशक पूछे जाए। नारी पढ़ के क्या करेगी? घर परिवार का भला करेगी। गोबर उपला और मजदूरी, ये सब है ना पढ़ने की मजबूरी। भाग में इसके चूल्हा चक्की, नीट पढ़ाई में है तरक्की। मामी चाची मौसी ताई, इन सब को भी है पढ़ना भाई। तुम दोनों भी आधा घंटा पहले तो स्कूल गए थे, वापस आ गए? स्कूल बंद है। बंद है क्यों? माँ तो साथ लोग नहीं आए हैं। मम्मी मम्मी स्कूल में ताला लगा था। वो स्कूल की दाई है ना, वो कह रही थी कि आपसे लंबी छुट्टियाँ हो गई है। लंबी छुट्टियाँ? अच्छा अच्छा, चलो तुम दोनों अंदर जाओ, कपड़े बदलो। एक बात कहूँ अगर तुम बुरा ना मानो? बात कब आएगी नहीं तो बुरा कहाँ से मानूंगा। गाँव का स्कूल 15 दिन से बंद है। तो मैं जाके खोल दूँ? बच्चों की पढ़ाई का हरज हो रहा है। उन्हें तू घर पे पढ़ावे तो है। गांव के दूसरे बच्चों की पढ़ाई का भी तो हरज हो रहा है। साफ साफ बोल, तू कहना क्या चाहोगे? अगर तुम नाराज ना हो तो मैं स्कूल जाके बच्चों को पढ़ा दिया करूं। इरा पागल है गई क्या? लोग क्या कहेंगे कि पढ़ी लिखी ब्याह के लाया था और बताओ अनपढ़ था। रामचंद्र जी ने सीता। नमस्ते दादी। नमस्ते बूढ़ी दादी। नमस्ते नमस्ते। इधर आ बेटे, इधर यहाँ बैठ, तुझे रामचंद्र जी की कथा सुनाऊंगी। माँ ने हरी मिर्च मंगाई है और कहा है कि कल वापिस कर दूंगी। अच्छा अच्छा, मैं अभी देती हूँ, ठहर जा तू। स्कूल बंद होने से पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा है। दादी हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। क्यों? मम्मी हमें हर रोज घर में पढ़ाती है। अरे क्या कह रहा ननकू, तू तेरी माँ को आ से अनार तो बोलना आए ना। हाँ। है और तू पढ़ाएगी का खाक है और क्या। ले चल हरी मिर्च ले और जा। माँ को सब कुछ आता है, माँ को हिंदी इंग्लिश गणित सब कुछ आता है। इधर इधर, तू सच कह रहा है? और क्या, शाम को आके खुद ही देख लेना। और उन्हें एक लकड़ी का गट्ठर दिया, फिर उसने कहा कि तुम चोरों में से। चोरों नहीं, ध्यान से देखो क्या लिखा है। चारों, मम्मी यहाँ पे तो चारों लिखा। कैसी है री पार्वती है, क्या हो रहा है? नमस्ते ताई। हाँ नमस्ते। नमस्ते दादी। नमस्ते दादी। नमस्ते बूढ़ी दादी। नमस्ते बेटा। उधर हो जा री। है री, तू तो अपने आप को अनपढ़ कहती है हा? और अपने बच्चों को पढ़ा रही है। हाँ, वो ऐसा है, मतलब ये रे, अगर तू पढ़ी लिखी है तो तुझे का जरूरत है अपने आप को अनपढ़ समझने की है। हाँ? बता। दसवीं पास है, दसवीं इतना ज्यादा होता है दसवीं। तू दसवीं पास है? हाँ। अरे तो ये बात छुपाई क्यों तूने है? अब ननकू के पापा कहते हैं कि अगर गांव वालों को पता चलेगा कि मैं उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ तो उनके सम्मान को धक्का लगेगा। कहाँ है ससुर के नाते, अभी वहाँ के सम्मान पे दूर लाठी रखती हूँ। दादी मैं उन्हें अपने आप समझा दूंगी, जब वो राजी खुशी मान जाएंगे तो उन्हें मेरे पढ़े लिखे होने पर गर्व होगा और मैं कोशिश करूंगी कि वो भी आगे पढ़ लें। ठीक है ठीक है, पर जरा जल्दी कर, तेरे पढ़े लिखे होते हुए भी
अरे गांव के बच्चे अनपढ़ हैं, कितने शर्म की बात है। हाँ सही कह रही हो, जैसा आप लोग कहो। परदेश हम परदेसी हो गए, ले लो। पार्वती एक बात बता, यो अपना ननकू कै साल का है गो? इस बरसात में 7 बरस का हो जाएगा। पर लगा पट्ठा 8 का है। अरे कद काठी मेरे पे गई है, उम्र से बड़ा ही लगे अपनी। सो तो है। एक बात सोचू पार्वती। क्या? वाकू अरब देश भेज दू। अरब देश? हाँ अरब देश। आज चौपाल पे कर भी मिला, वाकी गैल एक अंग्रेजी तरज का हिंदुस्तानी भी था, दोनों कह रहे थे। अरब अल्लखलका वल्जाहितल अल्सपूल बड़ाए मासूम बचाजल हिंद। वाह वाह क्या बात है, ये कह रहे हैं कि इन्होंने अरब देश में भारत के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला है। यू नो स्कूल माशाल्लाह تعلم المدرسه من الجلاله وقال عظيم ادمي واہ 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 یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے بچوں کو پڑھا لکھا کے بہت بڑا آدمی بنیں گے، یو نو بڑا آدمی۔ پر ایک بات بتاؤ کہ بغیر پاسپورٹ اور ویزا کے ہمارے بچے عرب چلے کیسے جائیں گے؟ ہم نے بھارت سرکار سے ویزا اور پاسپورٹ تلے ہی بنوا لیا ہے، ہم کل آئیں گے کیمرہ لے کے، یو نو کیمرہ، فوٹو، وہ کیمرہ لے کے آئیں گے اور بچوں کی فوٹو کھینچ کر پاسپورٹ پہ لگا دیں گے۔ ماول اباول نامول وقالا جہالا بڑائے 20,000 روپے ہندی پیش اور پیشگی۔ کیا بات ہے ریوبا جی، جواب نہیں ہے جی آپ کا۔ 20 یہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی انہوں نے کہا کہ جن جن لوگوں کو اپنے بچوں کو عرب دیش بھیجنا ہے وہ اپنے اپنے نام لکھا دیں تاکہ ہم انہیں کل آ کر کے 20,000 روپے بطور پیشگی دے سکیں۔ کل کتنے بجے آئیں گے وہ دونوں؟ دن میں 2 بجے آئیں گے اور شام کو بچن کو لے کر دلی چلے جائیں گے، ارے پرسوں صبح کی فلائٹ ہے۔ پورے گورا الکالا الپیلا ماشاء اللہ سبحان اللہ والپولیس البھاگ۔ ارے خبردار کوئی بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ دونوں ہمارے بچوں کو عرب دیش لے جا رہے تھے اونٹ کی دوڑ میں جھونکنے کے لیے۔ کون ہے بالغ گاؤں والوں کو پیس کو بڑھاوے؟ تو ٹوپی اتار اس کی، چشمہ اتار، یوں تو وہی نکلا۔ یہ یوں تو، ارے یوں بھی وہی دکھے مجھے تو لگے۔ ارے داروغہ جی اس کی تو داڑھی، میں بھی وہی ہوں، میں خود ہی اتار دیتا ہوں۔ ارے یہ دونوں تو وہی ہیں جو 500 کے نکلی نوٹ چھپے ہیں اور انہیں کام والوں میں چلاوے ہیں۔ ہاں نکلی ہیں، 20,000 کی کٹی نکلی ہے۔ پاروتی جی آج آپ نے 2 معاملے سلجھا دیے، ایک تو بچوں کے ویاپار والا اور دوسرا نکلی نوٹ والا۔ اب آئے پکڑ میں، مارا کھوپڑی اڑا دے۔ سب کچھ سیکھا ہم نے نہ سیکھی ہوشیاری، رے پاروتی میں نے آج ایک بات سوچی ہے۔ کیا؟ دیکھ جب تک نئے ماسٹر جی نہ آ جاتے نا تو گاؤں کے بچن کو پڑھا لیا کر۔ سچ؟ ہاں سچ۔ اور ایک بات اور ہے پاروتی۔ کیا؟ یہ 7.5 درجہ پڑھن میں کچھ نہ رکھو۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں آگے پڑھنے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ پر ایک شرط پر پاروتی۔ وہ کیا؟ تجھے بھی میری گیل 12th کی تیاری کرنی پڑے گی۔ لیکن تمہارا مان، دیکھ یہ جھوٹے مان سمان کا سبق مجھے مل گیا ہے پاروتی۔ جیسا تم کہو۔ ایک بات اور رہ گئی،
अब क्या? तुझे कैसे पता चला कि वो लोग बच्चों को अरब देश ऊंट की दौड़ खेले ले जा रहे हैं? मैं टीवी पर फिल्म और सीरियल के अलावा समाचार भी देखती हूँ, जितना हो सके देश विदेश की खबर रखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जनता के सवालों का जवाब मिला। मिला क्या? नारी की शिक्षा, परिवार की शिक्षा। पढ़ी लिखी नारी अच्छे बुरे की खबर रखती है। नारी शिक्षा का अपमान नहीं सम्मान करना चाहिए। नारी शिक्षा से परिवार ही नहीं समाज का भी भला होता है। नारी शिक्षा में घर, गांव, प्रांत और देश का विकास निहित है। शाबाश जमुरे। इसी बात पे उस्ताद जनता को करते हैं भाई भाई। भाई भाई नहीं जमुरे, बाय बाय। अच्छा।